हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम वाद्य वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाद्य वर्गीकरण। हिंदुस्तानी संगीत में वाद्यों का प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। वैदिक काल, महाभारत काल, रामायण काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक वाद्यों का विकास, प्रचार और प्रसार हुआ है। वाद्यों का उल्लेख अनेक प्राचीन काल के ग्रंथों में मिलता है। प्राय सभी प्राचीन ग्रंथों ने वाद्यों को चार वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? घनवाद्य, अमनध्यवाद्य, सुषिरवाद्य और तत्वाद्य। चार वाद्यों में बांटा है। आगे चलते हैं। अब हम तत्वाद्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे वाद्य जिनमें ध्वनि उत्पन्न तंतु अर्थात तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, वे तत्वाद्य कहलाते हैं। तत्वाद्य वो होते हैं जिसमें तारों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है या की जाती है, वो तत्वाद्य होते हैं। और इसी में एक वितत्वाद्य होते हैं जिनको कमान के द्वारा बजाया जाता है, वो वितत होते हैं, जैसे वायलन। इसी में आगे बढ़ते हैं हम। इन वाद्यों को गद से, कोण से, लकड़ी से तथा मिजराव आदि के द्वारा बजाया जाता है। इन वाद्यों का प्रयोजन संगीत के स्वरों को उत्पन्न करना होता है। इनका प्रयोजन इसलिए होता है ताकि जो संगीत का जो प्रयोजन है, जो संगीत का जो ध्वनि है, वो उत्पन्न हो सके, उसके स्वर उत्पन्न हो सके। उदाहरण के लिए वीणा, सितार, सरोद, सारंगी, इकतारा, तानपुरा, वायलिन, अभी मैंने वायलिन का नाम लिया था, इसराज, दिलरुबा आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम अवनध्यवाद की ओर चलते हैं। ये भी यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर है, पीजीटी के अंदर है ये भी वाद्य वर्गीकरण। तो अवनध्यवाद को अब पढ़ते हम। ऐसे वाद्य जिन्हें बनाने के लिए चर्म या चमड़े का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिन पर चमड़ा मढ़ा जाता है तथा उसी चर्म पर प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उस वाद्य को अवनध्य वाद्य कहा जाता है। ठीक है, जो वो वाद्य होते हैं जिनपे चमड़े जिन पर मढ़े होते हैं और उसे प्रहार करके बजाया जाता है, ये अवनध्यवाद के अंतर्गत आते हैं और उनसे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इन पर ताल तथा लय प्रदर्शित की जाती है, ये ताल वाद्य है। आमतौर पर इस वाद्य से एक ही स्वर निकलता है, उदाहरण के लिए तबला, मृदंग, पखावज, ढोलक, खंजरी, नगाड़ा। ठीक है, ये उदाहरण के लिए है। अब हम घनवाद्य आ जाते हैं, तीसरा है वो घनवाद्य है। ऐसे वाद्य जो प्रस्तर, मिट्टी या पत्थर, धातु या लकड़ी से बनाए जाते हैं, वे जिन पर मात्र लय प्रदर्शित की जाती है, वे घनवाद्य कहलाते हैं। ठीक है, जो ये मिट्टी पर पत्थर या धातु से या लकड़ी से, इन सब से ये बनाया जाता है, और ये भी जो है ये जिन पर मात्र लय प्रदर्शित, ये भी लय के लिए यूज किया जाता है और ये उदाहरण के लिए, दो मिनट, ये रहा, जैसे हो गया आपका की जाते हैं। इन वाद्यों पर ध्वनि उत्पन्न के लिए प्रस्तर, मिट्टी या पत्थर, धातु या लकड़ी की दो सतहों को परस्पर टकराया जाता है, परंतु इस प्रकार का ध्वनि उत्पन्न उत्पादन स्वर के लिए ना होकर सिर्फ लय मात्र के लिए किया जाता है। मतलब ये स्वर के लिए नहीं होता, ये भी ताल वाद्य के अंतर्गत आता है जो घनवाद्य होता है। उदाहरण के लिए जल तरंग, काष्ठ तरंग, झांझ या घुंघरू। आगे चलते हैं, हम सुषिर वाद्य पढ़ते हैं, ये स्वर वाद्य के अंदर आता है। इन वाद्यों में ध्वनि उत्पन्न वायु के माध्यम से की जाती है या दबाव के माध्यम से की जाती है। ठीक है, या वायु के माध्यम से की जाएगी या वायु के माध्यम से, जैसे बांसुरी हो गया, दबाव के माध्यम से जैसे हारमोनियम हो गया, हवा के दबाव के माध्यम से। आगे, इन वाद्यों में छिद्र होते हैं जिनके संगीतिक स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। इन वाद्यों में छिद्र होते हैं, जैसे बांसुरी हो गई। तत्वाद्यों की भांति ये वाद्य भी स्वर को
स्वर लहरियों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये भी स्वरवाद्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे शंख, बांसुरी, भेरी, सहनाई, सुंदरी, नाद स्वरम, मक्सकबीन और बीन। तो ये सारे थे और इसमें हारमोनियम भी आता है। तो ये वाद्य वर्गीकरण था, शॉर्ट में मैंने आपको ये बता दिया क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, तो शॉर्ट में मैंने बता दिया जो वाद्य वर्गीकरण चार प्रकार के जो हैं वो चारों मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।